ओके सो हाय गाइस, वत्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का न्यू विंग फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेन जिसका मैं यूज़ करूँगा, जिन सभी का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जब वीडियो को देखने के बाद जाकर सिंपली डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एंड गाइस, मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ गाइस, जो इस वीडियो में जो है हमारी कलर करेक्शन वाला जो पार्ट है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, आप लोग जो है कलर करेक्शन वाला पार्ट बिल्कुल देखना एंड उसको मिस मत करना, नहीं तो गाइस जो भी एडिटिंग होगी गाइस वो आपसे नहीं हो पाएगी। तो गाइस, आप लोग जो एडिटिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा देखना। बाकी चलिए, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है। इसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन गाइस, जाना आप सभी को ऐड फोटो में। एंड गाइस, यहाँ से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस, यहाँ पे जो मॉडल का बैकग्राउंड है मैंने पहले से इरेज कर रखा था, गाइस जो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो जाता, ठीक है? तो इसलिए मैंने पहले से इरेज कर रखा है। एंड जिसको इरेज करना नहीं आता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो तीन वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उनमें से कोई भी वीडियो को देख के आप बैकग्राउंड इरेज करना सीख सकते हैं। तो गाइस, आप बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, जब आप यहाँ पे अपने मॉडल को ऐड कर लोगे तो आपको कुछ स्टेप्स यहाँ पे अपने मॉडल को रख देना है। एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको फोटो कर देना है डन। फिर गाइस, जाना आप सभी को ऐड फोटो में। एंड गाइस, यहाँ से आप सभी को ऐड करना है गाइस ये कुछ जो है गाइस ये ब्लड का पीएनजी, आपको सिंपली इसको ऐड करना है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे कुछ ऐड करने के बाद जो है आपको अपने यहाँ पे जो है मतलब अपने चीक्स के पास कुछ इस टाइप से ऐसे लगाना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे लगा देने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको उसका जो है ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है एंड इसको कर देना है मल्टीप्लाई। एंड मल्टीप्लाई या ओवरले आप दोनों में से कोई से भी रख सकते हैं, बट गाइस यहाँ पे ओवरले जो ज़्यादा ही ब्राइट लग रहा है, बट आप यहाँ पे आप लोग रखने से मल्टीप्लाई। देन उसके बाद आपको जो इसकी ओपेसिटी यहाँ पे कम कर लेना है, ठीक है, कुछ इतना अराउंड इतना रख लेते हैं 65 तक, या फिर अगर आप चाहो तो और भी कम कर सकते हो। एंड जो साइज हम यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे एंड कुछ इतना परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम गाइस थोड़ी सी ओपेसिटी यहाँ पे कुछ रखते हैं 74 तक, ठीक है। तो गाइस, ये जो साइज़ है मेरे को यहाँ पे थोड़ा छोटा लग रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको हल्का सा यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अब इतना परफेक्ट है। अब यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, हम इसको कर देंगे सिंपली डन। अब गाइस, आपको क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में। एंड गाइस, यहाँ से ऐड करना है आप सभी को एक स्मोक का पीएनजी, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड में जाना है। यहाँ से ब्लेंडिंग मोड में जाएंगे, इसको कर देंगे स्क्रीन। एंड उसके बाद आपको इसको फुल स्क्रीन करना है कुछ इस टाइप से। एंड इसको रखते हैं आपको नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आपको डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इसको कर देना है डन। फिर आपको क्या करना है, आपको जाना गाइस यहाँ से दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइस, यहाँ से ऐड करना है आप सभी को एंजल का पीएनजी, ठीक है, ये वाला सर्कल का। एंड ये सर्कल पीएनजी ऐड करना है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है एडजस्टमेंट, उसके बाद आपको जाना है सैचुरेशन में, इसका अमाउंट कर देना है 0। एंड उसके बाद कर देना आप यहाँ पे डन। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे गाइस कुछ इस टाइप से आपको उसको यहाँ पे जो अपने हेयर्स के पास ले जाना है। एंड उसके बाद जो नीचे वाला पॉइंट है आपको उसको कुछ इस तरीके से आपको उसको पतला कर देना है। एंड उसके बाद जो जहाँ पे भी आपको रखना है वहाँ पे लगा देना है इस तरीके से। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है ब्लेंडिंग मोड में। एंड ब्लेंडिंग मोड में जाने के बाद आपको उसको कर देना है स्क्रीन। तो गाइस, कुछ इस तरीके से जो है ग्लो हो जाएगा। तो फिर उसको जो है आपको जो भी मतलब कोई हेयर्स के पास है इस तरीके से लगा देना है। एंड उसके बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद इसको कर देना है डन। तो यहाँ पे हम उसका थोड़ा सा पहले साइज छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब इसको हम कर देते हैं डन, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी फोटो को सेव कर लेना है। एंड इसको लेकर चलना है ऐसे लाइट रूम ऐप में, जो कि गाइस हमारा असली प्रोसेस है जो लाइट रीटचिंग का। तो आप क्या करेंगे, हम जाएंगे स्लाइड वाला ऑप्शन में। एंड जिसका कॉन्ट्रास्ट हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड जो हाईलाइट है इसको यहाँ पे थोड़ा माइनस कर देंगे। एंड जो शेडो है इसको हम इंक्रीज़ कर देंगे। एंड जो व्हाइट है इसको हम थोड़ा कम कर देंगे। एंड जो ब्लैक है इसको थोड़ा यहाँ पे माइनस कर देंगे। फिर यहाँ पे जाएंगे हम कलर्स में, हम यहाँ पे वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे। एंड जो टेम्परेचर है हम इसका थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर को कम कर लेते हैं। फिर जाना आपको कलर मिक्स में ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है। एंड इसका सैचुरेशन जो आपको माइनस करना है। एंड उसका जो ल्यूमिनस आपको बढ़ा देना अपने फेस के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद क्या करना, आपको जाना येलो कलर में, आपको यहाँ पे कुछ ह्यू जो है इसका चेंज कर देना है। एंड उसके बाद जो जाना आपको स्काई ब्लू में, आपको इसका सैचुरेशन थोड़ा माइनस करना है। एंड जो ह्यू है इसका यहाँ पे थोड़ा प्लस कर देना है। फिर जाना आपको डार्क ब्लू में, यहाँ पे गाइस आप चाहो तो यहाँ पे कोई भी कलर रख सकते हो, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू। तो यहाँ पे हम ह्यू बढ़ा देंगे एंड सैचुरेशन भी बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद कर देना आप सभी को डन। एंड उसके बाद जाना आपको यहाँ पे कलर के नीचे वाले टूल में। एंड उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद आपको जो यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज़ करनी है, जो फोटो में विग्नेट है वो डाल देना है। तो यहाँ पे हम इसको माइनस में ले जाएंगे अराउंड 60 तक। एंड उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपका मिला ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड जाना ऐसे गाइस नीचे वाले टूल में, यहाँ से नीचे वाले टूल में जाएंगे। एंड यहाँ पे गाइस फोटो की शार्पनेस इंक्रीज़ कर देंगे। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको नोट रोक्शन, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोट रोक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए, मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।